तो अब हमारे यहाँ से अलविदा का टाइम हो गया, अब चलते हैं दूसरी जगह, ठीक है। वो अंकल वहाँ पे खड़े हो रखे हैं। कल ले, हाँ जी अंकल, अंकल अब कहाँ चलेंगे? अभी आगे एक मंदिर है। कौन सा? बद्री नारायण मंदिर है, नौ देवी दर्शन है, उसके बाद आपको दिखाएंगे भीष्म पितामह जहाँ मारे गए अर्जुन ने बाण लगाया। अच्छा, तो अभी बद्री नारायण मंदिर में चलेंगे, नौ देवी के दर्शन ना, तो वहाँ नौ देवी के दर्शन कराएंगे हम आपको। फिर आगे स्टॉप जो होगा वो हमारा होगा, जहाँ पे अर्जुन ने पितामह भीष्म को बाण मारे थे, ठीक है। चलो ये देखो श्री गीता कुछ श्री बद्री विशाल नारायण मंदिर। थोड़ी दूर में था तो यहाँ नौ देवी के दर्शन कराएंगे हम आपको। तो ये यहाँ से जाना हमने और ऊपर की तरफ जाना हमने, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितने रोज गार्डन बना रखा है, यहाँ पे कितना प्यारा है ना, हर जगह गुलाब के फूल है और ऊपर भजन कीर्तन चल रहे हैं। अरे यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, वो देखो भाई साहब कितनी सुंदर मूर्ति है, ये हिरण, यहाँ पे राधा कृष्ण और साथ में सुदामा भी बैठ रखे हैं। और ये चित्रकारी बहुत अच्छा बना रखा है यहाँ पे, जहाँ पे ये बता रखा है कि श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाया था, ये यहाँ पे चित्र बता रखा है। और यहाँ पे जब श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था, पहले हम कृष्ण जी की जन्म भूमि में गए थे और अब हम युद्ध भूमि में आ रखे हैं। Yeah.
बाहर निकल गए, अंदर कीर्तन चल रहे थे तो अब चलते हैं दूसरी जगह, अब वहाँ पे चलते हैं। हाँ, अर्जुन ने पितामह भीष्म को बाण मारे थे, ठीक है अब चलते हैं वहाँ। बाहर अंकल भी वेट कर रहे हैं और अब चलते हैं अंदर, तो दर्शन पूरे कर लिए हमने नौ देवियों के, तो अब चलो। हरे राम हरे राम हरे राम बोलो राधे 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 राधे। तो देखो अभी ना कुछ लोग आ रहे हैं दर्शन पाने के लिए नौ देवियों के, और यहाँ से थोड़ा मंदिर का नजारा देख लो। देख रहे हो बहुत प्यारा मंदिर है, और सामने बजरंगबली तो चलो चलते हैं, ठीक है। एक और वृंदावन से निकल गए अभी, पता है जब हम यहाँ आए ना तो ऐसा लग रहा था भाई साहब जैसे वृंदावन में पहुँच गए, ऐसा फील हो रहा था हमें अंदर से जब हम अंदर गए, मतलब बहुत सही था, सही है बहुत सही। तो अब चलो ये बद्रीनारायण मंदिर से हम बाहर निकल गए यार, अब चलते हैं। कहाँ गए अंकल जी? तो जी ये पहुँच गए हम पितामह भीष्म मंदिर में, जिसे बाण गंगा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ये एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, आपको एकदम सामने से रूबरू दर्शन कराएंगे आपको यहाँ के। तो महाभारत के जो महाभारत युद्ध था ना, जब वो स्टार्ट हुआ तो दस दिन बाद पितामह भीष्म ये बाणों पे लेट गए थे, अर्जुन ने उन्हें पूरा मतलब बाणों से पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया था उन्हें। तो ये देखो ये बना रखी आपकी मूर्ति, यहाँ पर मूर्ति बना रखी कि किस प्रकार सीन हुआ होगा, तो देख लो। मतलब यहाँ पे आके सीन जो दिख रहा है ना, मतलब महाभारत के दौर में चले गए हम पूरे, कि ऐसा कुछ हुआ था। देख लो, जैसे मैंने आपको बताया पिछली वाली वीडियो में हम कृष्ण की जन्मभूमि में गए थे और अब युद्ध भूमि में आ गए। ये देखो ये वो बाण मारा था नीचे जमीन पे, और यहाँ से गंगा जल प्रकट हुआ था सीधा पितामह भीष्म के, कि प्यास बुझी थी। तो क्या होता जब 10 दिन बाद युद्ध करने के बाद पितामह भीष्म जब बाणों में लेट गए थे तो उन्हें प्यास लगी, ठीक है। प्यास लगने के बाद सब कौरव पक्ष वाले लोटे से कोई बड़े भांडे से वो पानी ला रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने पांडव की तरफ इशारा किया और अर्जुन आए, और अर्जुन ने सीधा बाण नीचे ज़मीन पर मारा और वहाँ से गंगा जल प्रकट हुआ। ऐसा ऐसा कुछ हुआ था यहाँ पे, देख लो। और यहाँ पे लाइट शो भी होता है नाइट को। तो जी ये हमने आपको जो सीन दिखाया देख ही चुके होंगे आपने, और क्या है कि ये जो कुरुक्षेत्र की जो युद्ध भूमि है ना, ये 48 कोस में फैली हुई है, ठीक है। तो जी सीन देख लिया, अब यहाँ पे एक मंदिर है और वहाँ पे भी मंदिर है पितामह भीष्म का। ये देखो पितामह भीष्म पांडव मंदिर, ये है पांडव मंदिर। तो जी मंदिर से हमने एग्जिट ले लिया, दर्शन कर लिए, तो अंदर भी पितामह भीष्म बाणों के बाणों में लेट रखे थे, और अंदर की वीडियो बनाना पंडित जी कह रहे थे मना है, 5000 का जुर्माना था, जो कि 5000 हम तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। चलो चलते हैं, अब एक बार बाहर से नज़ारा ले लो आप, ये देखो। हाँ बाहर में छोटी छोटी दुकानें हैं,
ये देखो ये ट्रैक्टर कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब चलते हैं, ये लास्ट था हमारा लास्ट डाम, तो अब चलते हैं सीधा घर में। पहले तो बस स्टैंड जाना है, फिर उसके बाद बस पकड़ के फिर चलेंगे हम।